और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, सभी एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं और सभी को एक अच्छा फोन चाहिए होता है और होना ही चाहिए, सभी को एक अच्छे फोन की जरूरत होती है। अगर आप भी एक अच्छा और जबरदस्त फोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छी बैटरी और जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस मिले, जहां पर आपको एक अच्छा फ़ोन मिले जिसको आप आराम से यूज़ कर सकें, और आजकल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी सेल चल रही है, वही 26 जनवरी और न्यू ईयर वाली सेल चल रही है दोनों ही पे, तो आप वहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। और अगर आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट फ़ोन जिन पर आप लोगों को ऑफ़र मिल रहा है, और ये बेस्ट फ़ोन भी हैं अंडर 15,000 की रेंज में। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं और बताते हैं आप लोगों को यहाँ पर टॉप 5 बेस्ट फ़ोन। सबसे पहले आता हमारा 5वें नंबर पे जो कि है पोको X2। ये वैसे तो फ़ोन बहुत ही अच्छा है और जब लॉन्च हुआ था तो 17,000 रुपये की रेंज में लॉन्च हुआ था, और एक्चुअल प्राइस तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको 16,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप इसको लेते हैं तो ऑफ़र में आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर ये फ़ोन मिल जाता है मात्र 14,999 रुपये की कीमत में, यानी कि 15,000 रुपये की कीमत में एक बहुत ही अच्छी डील है आप लोगों को मिल जाती है। और इस फ़ोन में आप लोगों को एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिल जाता है, 6.67 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 6GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज और ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस 64MP का, तो एक बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल कर आता है और अच्छी डील भी आप लोगों को मिल रही, तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर अपने चौथे फ़ोन की तो आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F41, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इस फ़ोन में भी आप लोगों को कमाल की कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर आप एक ज़बरदस्त डिस्प्ले और एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी F41 के साथ जा सकते हैं। इस फ़ोन में आप लोगों को डिस्प्ले बहुत ही अच्छी मिलती है, तो आप मूवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बाकी आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो अगर देखा जाए तो आप लोगों को ये फ़ोन 14,999 रुपये की कीमत में मिलती है, 6GB रैम मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 6000mAh की बैटरी मिलती है, 64MP वाला क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, साथ ही साथ आप लोगों को एक ज़बरदस्त फ़ोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक बढ़िया परफॉर्मेंस वाला फ़ोन या फिर गेमिंग करना चाहते तो आपको ये फ़ोन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये फ़ोन उन लोगों के लिए ज़बरदस्त रहेगा जो डेली यूजर्स में ऐसे यूज़ करते हैं आराम से और एक अच्छी डिस्प्ले चाहते हैं, धूप वगैरह में आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट फ़ोन है क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी डील निकल कर आती है मात्र 14,999 रुपये की कीमत में। अब बात करेंगे यहाँ पर अपने तीसरे फ़ोन की, जो कि आता है आप लोगों का Realme Narzo 20 Pro। ये फ़ोन आप लोगों को बहुत ही अच्छी डील दे रहा है। ये फ़ोन आप लोगों को मिल जाता है 13,999 रुपये की कीमत में, लेकिन अगर एक्चुअल प्राइस देखें तो आपको 15,000 रुपये की कीमत में मिलता है। वहीं पर अगर देखें तो ये फ़ोन में आप लोगों को ज़बरदस्त स्पेक्स मिल जाती है। इसमें आपको एक ज़बरदस्त प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। साथ ही साथ 6GB रैम मिलती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, 6.5 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, और ज़बरदस्त फ़ोन निकल कर आता है। अगर आप इस फ़ोन के साथ जाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा रुपये आप लोगों को पे नहीं करने पड़ते हैं, मात्र 14,000 रुपये की कीमत में जो डील मिल रही है उसमें आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से, तो ये भी एक अच्छी डील है आप लोगों के लिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। हमारा दूसरा फोन यहाँ पर निकल कर आता है पोको X3। जी हाँ दोस्तों, जो कि पोको X2 था उसका ही ये अपग्रेडेड वर्जन है पोको X3, और ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है। ये भी फ़ोन आप लोगों को मिल रहा है 15,000 रुपये की कीमत में, और अगर देखा जाए तो एक्चुअल प्राइस इसकी 18,000 रुपये लगभग है। देखा जाए तो इसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें बड़ी बैटरी मिल जाती है, 6000mAh तक बैटरी आप लोगों को मिल जाती है, और यहाँ पर आप लोगों को एक ज़बरदस्त डिस्प्ले भी मिलती है। तो देखा जाए तो लुक वाइज और डिज़ाइन वाइज भी एक बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल कर आता है, तो आप इस फ़ोन के साथ भी जा सकते हैं। बाकी आप इसके एवज आप एक और फ़ोन ले सकते हैं, Realme 7 के साथ आप जा सकते हैं, उस पर भी डील आप लोगों को मिल रही है, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। ये भी फ़ोन आप लोगों को 14,999 रुपये की कीमत में मिल जाता है। इसमें भी आप लोगों को 6GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, 5000mAh बैटरी और 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप और एक बड़ी 6.5 इंचेस की डिस्प्ले, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस फ़ोन में भी मिल जाती हैं, तो ये भी इस फ़ोन पे भी आप लोगों को एक अच्छी डील मिल रही। वहीं पर अगर देखें तो ये भी फ़ोन आपको वही 17,000 रुपये की रेंज में मिलता है, लेकिन अभी आप लोगों को जल्दी से डील मिल रही, तो आप जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं इस डील को।
वहीं पर अब बात करते हैं यहाँ पर अपने पहले फ़ोन की, जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन। वो भी आप लोगों को ये फ़ोन मिलता है वही 17,000 और 18,000 रुपए की रेंज में, रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। इस फ़ोन में आप लोगों को ज़बरदस्त स्पेक्स मिल जाती है। ये भी फ़ोन आप लोगों को अभी मिल रहा है अमेज़ॉन पे 14,999 रुपए की कीमत में। आप इस फ़ोन को जल्दी से बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन पे जाके, वहाँ लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट फ़ोन, जहाँ पर मैंने एक कम्प्लीमेंट्री फ़ोन भी आप लोगों को बताया जो कि है रियलमी 7, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। टॉप 5 बेस्ट फ़ोन में से आप लोगों को कौन सा बेस्ट लग रहा है, आपको कौन सी बेस्ट डील लग रही है, आप जाके जल्दी से ले सकते हैं और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।